जय हिंद साथियों। सेना भर्ती में टीओडी सिस्टम लागू होने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व तीनों सेना प्रमुखों की वीसी के बाद से देश भर के युवा अब टीओडी सिस्टम के विरोध में उतर आए हैं। इसको लेकर सबसे पहली तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई है। जी हां, इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह बिहार के मुजफ्फरपुर से है। यहाँ पर युवाओं ने टीओडी के खिलाफ में आंदोलन शुरू कर दिया है। युवाओं ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक टीओडी को वापस नहीं लिया जाता है, जब तक आर्मी एग्जाम नहीं कराया जाता है, जब तक युवाओं को उम्र में छूट नहीं दी जाती है, जब तक एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं कर दी जाती है, तब तक देश भर में यूं ही युवाओं द्वारा आंदोलन किया जाएगा, बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस तरह के बहुत सारे मैसेज अब सामने आए हैं, वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवा बहुत ज़्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने युवाओं के हितों को लेकर अपने फैसले में संशोधन नहीं किया या इसे वापस नहीं लिया, तो फिर देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार को जल्द देखने को मिलेगा। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यह बिहार के मुजफ्फरपुर से है। यहाँ पर युवाओं ने टीओडी के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है और इन युवाओं का कहना है कि दूसरे राज्यों के युवा भी इन्हीं की तरह अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं। वहीं सैन्य अधिकारी भी इस टीओडी को लेकर खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ टीओडी के विरोध में एक बार फिर से दिल्ली में आंदोलन को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर संदीप फौजी की ओर से युवाओं से यह आह्वान किया गया है कि सभी युवा 20 जून को दिल्ली पहुँचें। वो अपनी एक वीडियो में यह भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने धरना प्रदर्शन को लेकर अनुमति भी ले ली है। ट्यूर ऑफ ड्यूटी जिसका पुरजोर हम विरोध करते हैं, 20 जून को जंतर मंतर में इस टीओडी के विरोध में महा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी परमिशन हम ले चुके हैं, आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर टीओडी की घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार युवाओं का गुस्सा सरकार को लेकर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़े आंदोलन को लेकर भी मैसेज वायरल किया जा रहा है। टीओडी के विरोध में 20 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पे बहुत बड़े महा आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक दिन के लिए नहीं, लंबे समय की सोच के और अपनी सामान के साथ पहुंचे, अपने कपड़ों के साथ में, क्योंकि यह संघर्ष लंबा चलेगा और एक संवैधानिक और एक सिस्टमेटिक तरीके से शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट किया जाएगा और यह तब तक किया जाएगा जब तक सरकार टीओडी को वापिस ना ले ले। वहीं युवाओं का यह भी कहना है कि अब देश में किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा अगर सरकार ने उनकी मांगे समय रहते नहीं मांगी। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने की भी बात कही जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व तीनों सेना प्रमुखों की बीते कल हुई पीसी के बाद से एग्जाम कैंसिल की बातों को लेकर युवा पूरी तरह टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अभी इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन युवा अब किसी भी हाल में असमंजस में रहकर चुप नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी यह पता चल गया है कि यह उनके पास अब लास्ट मौका है अपने हक के लिए आवाज उठाने का, अपना हक पाने के लिए। अगर अब भी वो एकजुट नहीं हुए, अपनी मांगों के लिए वो आगे एकजुट होकर नहीं आए, तो फिर शायद उनका सेना में जाने का जो सपना है वो फिर सपना ही रह जाएगा। वहीं कुछ युवाओं का यह भी कहना है कि पूरे मामले को लेकर एक व्यक्ति है जिसने सुप्रीम कोर्ट खेलकर युवाओं के आंदोलन को खत्म कर दिया और फिर वो खुद भी एसी में जाकर सो गए। जब तक युवा सड़कों पर थे तब तक टीओडी को लेकर सरकार ने ऐलान नहीं किया था, उसे कहीं ना कहीं युवाओं के इस विरोध का डर था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का खेल करके युवाओं के आंदोलन को रोका गया, उसे ख़त्म कर दिया गया, युवाओं को कहा गया कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, सड़कों पर उतरने से कुछ नहीं होगा, हम कोर्ट जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, तो इसके बाद से सभी युवा व अन्य अकेडमी संचालकों ने आंदोलन बंद कर दिया। और जब सरकार को लगा कि अब युवा थक गए हैं और अब वो किसी तरह का विरोध सरकार का नहीं करेंगे, तो सरकार ने झट से टीओडी को लेकर घोषणा कर दी। और अब वो महान व्यक्ति यह कहकर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि एग्जाम कैंसिल होगा। इधर युवाओं का उन महान व्यक्ति को लेकर यह भी कहना है कि जो ये कह रहे थे कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, तो फिर कृषि कानूनों के खिलाफ क्या हुआ था, वो भी तो आंदोलन ही था। फिलहाल टीओडी लागू होने के बाद से युवाओं की एक ही आवाज उठ रही है कि कुछ भी हो जाए पर टीओडी को लागू नहीं होने देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 जून को होने वाले आंदोलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या इस आंदोलन के परिणाम आने वाले समय में रहने वाले हैं। वैसे हम भी आपको दिल्ली में ही मिलेंगे कवरेज करने के लिए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।